मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक जंगल राज की स्थापना हो चुकी है, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब जघन्य और खतरनाक अपराध मध्य प्रदेश में घटित नहीं होती हो। दलितों पर अत्याचार का मामला हो, आदिवासियों की हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं हो, इस तरह की घटनाएं हर दिन सामने आती हैं। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सागर और गुना मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जंगल राज की स्थापना हो चुकी है, जंगल राज क्या होता है ये सब सुनते पड़ते थे, अब ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब मध्य प्रदेश में जघन्य अपराध न हो रहे हो। अपराधी पूरी ताकत से बेखौफ हो गए, अपराधियों में डर समाप्त हो गया है और वे प्लानिंग के तहत अपराध कैसे होते हैं उसका मध्य प्रदेश उदाहरण बनता जा रहा है। ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब जनक खतरनाक से खतरनाक अपराध मध्य प्रदेश में नहीं होता। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों की हत्या और बलात्कार, लगातार गैंगरेप, यहां तक के फिरौती के केस और हर वो क्षेत्र जिसमें शासन और सरकार का सरोकार है, सारे परिवार के लोगों को एहसास मध्य प्रदेश के हो रहा है कि हर जगह अपराधी पूरी ताकत से बेखौफ चालू हो गए, अपराधियों को डर समाप्त हो गया और एक प्लानिंग के तहत अपराध कैसे होते हैं उसका मध्य प्रदेश उदाहरण बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।